साफ है जी। हम गैंगस्टर के भजन तो बाद हालात पैदा हुए ने, वो तो निराशा भी हुई है सब परिवार को। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस एक यह जरिए जिदे जरिए आप अपने मन की गल दस सकते हैं सारे। वो तो जी सी आई इंचार्ज है, वो तो जी कार्रवाई सख्ती होनी चाहिए। की कहोगे लंबे समय तो इंसाफ की मांग कर रहे थे होर दोषियों खिलाफ कार्रवाई की, तो दो जिहड़ा मुलजम फड़िया से वह भी पुलिस दी तो भज चुका गया, जिथे इन्हू अपनी रिहायश के उपर रखा गया। देखो जिस तरह का वर्तारा सोशल मीडिया तो जो जानकारी मिली है, देख भी इस तरह इन्ने वे अपराधी इन्ने सौखी तरह ना वो अपने नाल ले फिर माड़ी गल है, क्योंकि जिम्मेवारी तो भजन वाली गल है, तो ये तो जरूर कोई सख्त कार्रवाई अमल लिया चाहिए। कल भी सोशल मीडिया से जो मैडिकल ले लिजाया गया तो बहुत टौर न मतलब कह सकते हैं बिना मायूसी तो जो प्रितपाल सी आई इंचार्ज जोड़ा सी आई इंचार्ज है बड़े मतलब टेंशन फ्री होकर जो मैडिकल कराने जाते किमें देखते हो। देखो जो तो हम पब्लिक डोमेन की गल करिए उत्तर बहुत कुछ चली जाए, कोई ना कोई तो गल हैगी है। देखा है ना एवं कोई किसी को बिना सीनियर अफसर भरोसे लाए बिना आपके नाल किमें लेगा, ये गल विचार वाली गल है। तो जी मानसा पुलिस तो जो उम्मीद करिए भी वो ये दुधो पानी छान देंगे, मैं नहीं लगता इस गलू ही जी जाँच है किसी एजेंसी तो करवानी चाहिए है, और यू इतों शिफ्ट करके किसी होर पुलिस को सौंपना चाहिए। जो मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान थोड़े को आए थे, भगवंत मान ने थोड़े न कहा भी असी हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज तो एक तो इंक्वायरी करावे, एक एजेंसी को भेजने की गल की वादे किए थे, कि सरकार कोई गलबात नहीं हुई जी। देखो मैं एक बार उन्होंने मानसा में जरूर मिलया, तो असी मैं इस गल के हक से भी सीटिंग जज तो करवाई जाए, वो उन्होंने सारे को जो पैनल भेजा और रिटायर जज का भेजता, इस करके उसते गल अगे बढ़ नहीं सकी। रिटायर तो असी नहीं सहमत सी और सीटिंग का उन्होंने नहीं दिता, तो वह गल बिच ही रही। मैं तो जिस कल का लगता से जिम्मे दुबारे 29 तरीक आ गई होंगी है, जिस दिन शुभदीप गया से जिन्ना दुख उद्दे हुआ से उन्ना कल होया भी कै कि गैर जिम्मेदारी वाला काम किया उस बंदे ने। तो असी तो हूँ यही कहने कि भी इनू यदि जी पुछ पड़ताल यदि किसी होर स्टेशन पुलिस स्टेशन तो होवे, सानू इत्थे दी पुलिस ते पूरा यकीन नहीं है। कारण की है क्यों नहीं यकीन है जिहड़ा रहा जी पुलिस दे उप्पर? 4 महीने हो गए जी कोई आउटपुट सानू कोई वधिया नहीं मिली है। तो डी जी पी साहब ने बेचारे उन्होंने फैसले ना असी कल भी खड़े से अज भी खड़े, उन्होंने जोड़ा फैसला लिता है तुरंत सानू उन्हों तो उम्मीदा ने होर भी उम्मीदा ने भी सानू कोई वो वधिया ही वो देंगे रिस्पोंस मिलेगा सानू ये पिछों। तो पर सानू यह है भी इनू इतने ना पूछा गिछा जाए, इनू कितने होर किसी स्टेशन पर ले जाके चंगी तरह पूछ गिछ हो जाए ता कि होर खुलासे भी हो सकेंगे, होर भी जोड़े लुके हुए इंसान ने अगे आएंगे। जिस तरह हर बार जो परिवार वालों सवाल उठाए जाते कि इन्नी हाई सिक्योरिटी दी जा रही है या होर, पर वह सिक्योरिटी हूँ कितने गई जो आराम भजद इतों? प्रतपाल सिंह का कल बड़ी सिक्योरिटी बड़ी ठाठ बाठ जा रहा है, जिम्मे वो कोई चंगा नेक कम करके आया होंगे, एडा गंदा घन्यौना कम करके तो वह बंदा कल हसदा निकलिया, तो वो कोई हथकड़ी नहीं लगी। सानू यह भी गल है भी की गल उन्होंने मुलजमान की तरह क्यों नहीं लिजाया गया, उन्होंने एक मतलब जिमें अपने कोई आया होंगे प्रौहणचारी आया होंगे कोई उन्होंने इस तरह वो निकल के आया, वो तो ऐ लगता है जिमें पैलस चो निकल के आया होंगे, वो तो टोर नाल आता हसदा आता जिमें कोई उन्हें कोई कोई चंकी कोई तगमा जित के आया होंगे, उन्होंने तो आपके किए हुए तो भूरा नराशा भी है नहीं, इस गल की तकलीफ है सानू। प्रशासन किसी भी तरह का मतलब ऑफिशियल जानकारी ये पुष्टि नहीं करता भी कितों भजया है, क्यों देरी हो रही है इस चीज़ में? तो देखो जो सू कोई आउटपुट मिलू किया जो सूँ फिर दस देंगे, पर असर तो सूत्रों को सूँ पता लगता है भी वो तो सरकारी रिहायश तो भजे सूँ तो एवं नहीं पता से, पर जो कुछ यह 2-3 दिन का लगातार हो रहा है तो प्रशासन सुता पैया, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिता। की कहोगे जिस तरह लगातार पहला पुलाने के बने सिद्धू के उपर हमले की, उस तो बाद भी जो मुलजम से मोबाइल प्रोवाइड हो होर हो किए देखते हैं? मोबाइल तो ये को भी सगा पहला उन्होंने जोड़े शुभदीप के कतल के केस में सके करण गोइंदवाल साहब उन्होंने भी मोबाइल मिले ने, इस करके साडा हुण जिहड़ा मतलब दिल है साडा बलुंदरिया गया भी इन्हां दी इन्हां नूं सारियां सहूलतां मिली जांदियां ने, ते इन्हां नूं की लोड़ है वह करन दी सानूं नहीं पता। सानूं पहलां लगदा तां शक तां सीगा पर हुण जिहड़ा शक है वह यकीन च बदल गया, सानूं लगदा भी कोई इहदे पिछे कोई वड्डा कारण हैगा,
ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹਦਾ ਪੁੱਤ ਜਾਂਦਾ ਘਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਪੁੱਛੂਗੀ। ਫਿਰ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊ, ਪਰ ਜਿੱਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਕਹਿਣਗੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੰਨੂੰਗੀ ਵੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਉੱਦੇ ਖੜੇ ਸੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਣ ਤਾਂ ਦੀਪਕ ਟੀਨ ਨੂੰ ਭੱਜਿਆ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅਸਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਬਚਕਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ? ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਆਸ ਹੈਗੀ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਆਈ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਉਣਗੇ। ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਾਂਚ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆ ਗਈ ਨਾ ਰਾਜੀ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਸ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਦੇਊਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਘੋਪਿਆ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਘਣਾਉਣੀ ਹਰਕਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਉਸ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਰੱਖੋਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਕੀ ਕਹੋ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹੀ ਪਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਘੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵਧੂਗਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਐਵੇਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਫਿਰ ਘਰ 'ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਥਾਣੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਘਰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਧਣਗੇ, ਘੱਟਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਜਵਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਸ ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ।